हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सनकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर। बड़ी अपडेट क्या है, बड़ी खबर क्या है, जैसा आपको बता दें, एनआईएस डीलेट को बैलेट कराने के लिए अब मुद्दा बहुत तेज़ी से चीज़ें सामने निकल के भी आ रही हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एनसीटी और एमएचआरडी भी अपने काम में तेज़ी प्रक्रिया दी है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी है इस बात को लेकर। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया, भाई विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा, उसको हम न्याय दिलाएंगे। जो भी चीज़ें रह गई हैं उसको भी हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा इस समय जब ये एनआईएस डीलेट का कोर्स लाया गया तो उसमें जो अधिकारी थे उनसे भी बातचीत की जा रही है। अब एनआईएस डीलेट को कैसे बैलेट कराया जाएगा इसके बारे में भी चर्चा कर रही है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी बार बार इस बात को उठा रहे हैं और सभी मंत्री विधायक इस बात को अब कह रहे हैं कि भाई इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय ना हो। इसी बीच एक और खबर निकल के आ रही है, क्या जो उस समय के एनआईएस डीलेट के अध्यक्ष उसमें जो अधिकारी रहे उनसे भी बातें की जा रही है कि भाई इसको कैसे बैलेट कराया जाए, जहाँ पर त्रुटियाँ हों उस तरह किस तरह काम किया जाए। प्रधानमंत्री भी थोड़ा सा इसमें अपना रुख जाहिर किया। इसी बीच सूचना क्या है कि एमएचआरडी के सचिव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी, एनआईएस को बैलेट कराने के लिए काम हो रहा तेजी से, सभी डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद लिया जाएगा फैसला। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, उनके लिए एक अच्छा ये है कि संसद में भी ये मुद्दा उठाया। उसके बाद आपको बता दें अब ये चीज़ें रुकेंगी नहीं जब तक कि एनआईएस डीलेट वैलिड हो जाए। आपको उम्मीद भी ये बता दें और आपको एकदम 100% ये बता दें कि एनआईएस डीलेट वैलिड होगा जिस तरह ये काम हो रहा है। बस आपको थोड़ा सा अपनी धैर्य बना के रखना और अपनी बातों को हर तरह से भी जब तक ये वैलिड ना हो जाए तब तक आपको हर तरह से कोशिश भी करते रहना है, क्योंकि आपकी ही कोशिश है जो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठ रहा है। हमारे साथ इस समय विश्वनाथ जी हैं, वो भी इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि उनका क्या है, उन्होंने किससे बात की और सारी चीज़ों के बारे में बात करी, जिसकी वजह से हमने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझे। हमने कहा अगर हम लाइव आएंगे और बीच में कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ा सा गलत एक संदेश चला जाता है कि ये अलग कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, तो हम ये संदेश बिल्कुल जाने नहीं देना चाह रहे थे। हम देखना चाह रहे थे कि जितने भी दिल्ली साथी हैं वो क्या मतलब उनका अपना जो कार्यक्रम है वो किस तरह से वो आगे बढ़ा पाते हैं और इसका फर्क क्या पड़ता है। हालांकि जब जिस दौरान वो लोग दिल्ली में थे उस दौरान हम भी लगातार एमएचआरडी और पीएमओ से संपर्क में थे, हम आज भी उनसे कॉल किए थे, पिछले दो दिन पहले भी कॉल किए थे, मतलब ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा जब उनको हम संपर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को हमने पहले बताया था कि जब हमसे उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा था हमने उनको डॉक्यूमेंट दिया है, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि जब हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया है तो हमारे डॉक्यूमेंट को आपने किया क्या है या कर क्या रहे हैं, तो इसकी अपडेट हम लगातार उनसे लेते रह रहे थे। आज भी हमने कॉल किया था तो जो वहाँ की जो प्राची हैं, प्राची मैडम हैं, उनका पूरा नाम नहीं जानता, जो सेक्रेटरी हैं, उनको डॉक्यूमेंट दिए थे हम। आज हमने कॉल के दिखा के तो कॉल उन्होंने ही उठा लिया, आज पहले राउंड में कॉल उन्होंने ही पिक कर लिया। उन्होंने कहा आपकी जो फाइल है उस फाइल को संबंधित जो हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी के बाद भेज दिया गया है। चूंकि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हूँ इसलिए मैं आपकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगी, उन्होंने सीधे हायर अथॉरिटी का ही नंबर हमें दिया कि आप यहाँ बात करिए। लेकिन पूरा हमने मैडम से दोबारा फिर बैक कॉल किया उनको कि हमने कहा कि आप मिलने का हमें समय दे दीजिए, तो उस समय वो शायद मीटिंग में जा चुकी थी, उनके फिर पीए ने फोन उठाया था। उन्होंने हमें बताया कि देखिए आपका जो मामला है यह हमारे हायर अथॉरिटी में ऑलरेडी चल रहा है और काफी सारे कॉल आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो जो हमें बताया गया है, हमें यही बताया गया है कि डिप्लोमा में कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा तो पूरा है, बस वो 6 महीने का ही तो सारा प्रॉब्लम आ रहा है। 6 महीने तो आप लोगों को ऑलरेडी वो कर आप इन सर्विस थे, आप लोगों को ऑलरेडी उसमें समसम था, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चुनाव की वजह से इसमें थोड़ा सा लेट हुआ है, बट अभी जो काम चल रहा है तेजी से चल रहा है और बहुत हद तक उम्मीद है कि एमएचआरडी सुप्रीम कोर्ट आएगी, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो बीच का रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा उस दौरान हमारे जो एवआर है उनका भी काफी कॉल आया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फीस जो हमारी है वो आप दीजिए, हम इसको आगे बढ़ाएं काम को। तो हमने कहा अभी थोड़ा लड़के व्यस्त हैं और छुट्टियों में ज्यादा इधर उधर है, तो आप थोड़ा हमें समय दे दीजिए और जैसे लड़के खाली होते हैं हम आपका फीस जो भी है उसका इंतजाम करवा दें। आज उनका फिर कॉल आया और वो काफी नाराज हो रहे थे। वो उन्होंने कहा ये कहना था कि हमें अभी नोटिस भेजने हैं, 300 कुछ रेस्पोंडेंट हैं जो बिहार के हैं और कुछ यूपी के जो याचिका है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन में नहीं आए थे, कुछ लड़के ही आए हैं, बाकी नहीं आए, तो उनको रेस्पोंडेंट बनाना पड़ेगा, तो उनको नोटिस वगैरह भेजने हैं और एक को जो नोटिस जाना है वो 500 पेज का नोटिस जाना है, तो उसमें कुछ फोटोकॉपी होने में कुछ खर्चा आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप फीस हमें नहीं देंगे तो हमको कैसे नोटिस देंगे, और सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग है 7 दिन या 15 दिन के अंदर है उनको अपना जो भी डिफेक्ट वगैरह है उनको वो करना पड़ता है। हालांकि छुट्टी थी तो बीच में नहीं बोल रहे थे, आज उन्होंने कॉल किया और काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें आपसे पूरा फीस पहले ही ले लेना चाहिए था, हमने गलती की, आपकी बातों में आ गए और हमने आपके कहने पर वैसे ही काम कर दिया और अभी आप लोग लेट अचीव कर रहे हैं, अच्छा खासा बना बनाया केस आप लोग बिगाड़ने के उसमें जा रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको सॉर्ट आउट कीजिए, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ही आपके जो डॉक्यूमेंट आप देंगे वो नहीं लेगी। तो इसके रिगार्डिंग हमने आदर जी से बात की, अदर जी अब क्या किया जाए, आज दिल्ली का प्रोग्राम इन लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ और वहाँ दिल्ली में भीड़ लगाने से कुछ कुछ होता हुआ दिख भी नहीं रहा है,
कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए सर, आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देता हूँ। हम क्यों नहीं आ रहे थे, बिना परमिशन के किसी के घर में जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप माने या ना माने। बिल्कुल, बिना परमिशन घर में जाकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, और धरना प्रदर्शन करने के लिए एक नियम है, कायदे है, कानून है, कोई परमिशन नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हमने